नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 नवंबर 2021 तक बद्रीनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खुले हुए हैं, लेकिन दोस्तों उत्तराखंड में अभी इस समय ठंड का प्रकोप बहुत ही भयंकर रूप से पड़ने लगा है, दिखने लगा है। बद्रीनाथ धाम सहित चारों धामों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम में स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। अगर आप बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या आपको क्या सावधानियाँ रखनी है, हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें। इसी प्रकार हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड और चारधाम यात्रा से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सिंह ने बताया है कि इस बार देरी से 25 अक्टूबर को देश से मानसून विदा हुआ है। मानसून की विदाई के साथ ही अब देश के उत्तरी इलाकों में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। दोस्तों बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के कारण झरने और नाले का पानी जमने लग गया है, वहीं पेड़ पौधों पर पड़ी ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील हो गई है। दोस्तों सुबह और शाम को धाम में शीतल लहर चल रही है। इन दिनों धाम पहुंच रही तीर्थ यात्रियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों स्थिति यह है कि शाम होते ही तीर्थ यात्री कमरों में दुबक रहे हैं और नगर पंचायत बद्रीनाथ के अधिशासी अधिकारी सुनील पुरोहित ने बताया है कि धाम में ठंड के कारण अब पानी भी जमने लग गया है। दोस्तों बस अड्डा, साकेत तिराया सहित अन्य जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। तीर्थ यात्रियों के साथ ही साधु संत ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। धाम में दोस्तों धूप खिलने से ठंड से राहत भी मिल जाती है, लेकिन इस बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम में भयंकर रूप से ठंड अपना रूप दिखा रही है। दोस्तों मेरी राय है अगर आप बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप दर्शन करके जोशीमठ या पीपल कोटी में नीचे आके रुक सकते हैं, क्योंकि अगर रात्रि में आप बद्रीनाथ अगर इस समय रुकने की सोच रहे हैं तो आपको ठंड का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर। तो इस समय जो है आप अगर बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, अपने गर्म कपड़े आप पूरी तरीके से लेके जाएं साथ में। और मैं आपको यही सलाह देता हूं, अगर आप स्टे करना चाह रहे हैं तो बद्रीनाथ को आप अवॉइड करें, आप जोशीमठ में आप स्टे कर सकते हैं। दर्शन करके आप शाम होने से पहले ही जोशीमठ आ जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज हमारे को वीडियो के माध्यम से यही आपको जानकारी देनी थी बद्रीनाथ धाम के बारे में। तो आगे भी कोई ऐसी अगर हमारे पास जानकारी आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। आज का दोस्तों वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।